श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्ण महामंत्र के परम पूजनीय सचेंद्र महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं, एक सुंदर कथा बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उस अंधे व्यक्ति को बोलता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा कि आप दूध पीजिए। बोलते हैं अंधे व्यक्ति ने कभी दूध देखा नहीं होता, कहते दूध क्या होता है। उसने बोला, उन्होंने बोला दूध एक सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ है। अच्छा सफ़ेद रंग क्या होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। सफ़ेद रंग जैसे एक हंस का रंग होता है। बोले हंस क्या होता है, तो वो व्यक्ति समझा ये व्यक्ति अंधा है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रहा। तो उसने ऐसे करके दिखाया कि हंस ऐसा होता है, इसकी गर्दन ऐसे होती है। उसमें उस पर हाथ गया, नहीं 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 इसको नहीं पीना, ये मेरे गले में अटक जाएगा। तो महाराज बता रहे हैं कि यही एक बदजीव की हालत है। जब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन आता है तो हम बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनमें क्या शक्ति है, उनमें क्या कला है। तो अगर हम नाम लेते हैं केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और इसके बिना महत्व को जाने और इसके पूरा ध्यान दिए बिना, तो ये केवल भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं केवल नाम अक्षर है। नाम अक्षर बाई है, नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, नाम का केवल अक्षर है। कि जब रूप गोस्वामी कृष्णा बोलते हैं तो बोलते हैं इन दो शब्दों में पता नहीं कितना अमृत भरा हुआ है कि मुझे लाखों लाखों कान चाहिए, लाखों लाखों जीवा चाहिए इस अमृत को संभालने के लिए। लेकिन हमारे साथ ऐसी अनुभूति नहीं होती। तो हमारे लिए केवल ये नाम अक्षर है। तो केवल एक शुद्ध भक्त ही शुद्ध हरि नाम का जप कर सकता है। तो हम इस स्थिति को कैसे प्राप्त करें? तो लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति हम अपनी इच्छा दिखा रहे हैं कि हम आपको ध्यानपूर्वक जप करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, इस सेवा के भाव से जब उन्मुख होते हैं तो इसी नाम अक्षर में भगवान का नाम वास्तव नाम प्रकट होता है और हम पे कृपा करते हैं। तो हम जितने भी टेक्निक्स चर्चा करते हैं हरि नाम को जप करने की, इन टेक्निक से केवल अपने प्रयासों से हम शुद्ध नाम को आकर्षित नहीं कर सकते। ये केवल उनकी कृपा से ही होगा और भगवान हम पे कृपा करेंगे उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में हम उत्सुकता दिखाएंगे कि मैं भगवान को चाहता हूँ, भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। और इस संबंध की शुरुआत होती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो जैसे कल हमने चर्चा की कि हमारे जीवन के केंद्र में हम खुद हैं, इसको हटा के हमें कृष्ण को लाना होगा और इसकी शुरुआत जप से होनी चाहिए। जप में मेरा अपने लिए कोई विचार अपनी कोई योजना नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। इसका हम जितना प्रयास करेंगे कि जप में हम समय हम केवल कृष्ण के शब्द ध्वनि पर ध्यान दें, उनसे प्रार्थना करते रहें कि आप हम अपनी सेवा में लगाएं, आप हमसे प्रसन्न हों, उतने मात्रा में हरे नाम की हमें कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।